वेलकम टू अमतुल्स फूड डायरीज़। अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, रिस्क और रोज़ी में बरकत दे, हमें अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बना दे और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर का सालन। घर में सिर्फ यही सब्ज़ियाँ हैं तो हम इसी से आज खाना पकाएँगे और ये बहुत मज़े का बनता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तेल हमने थोड़ा सा लिया है, 1/4 कप के करीब है हमारा तेल। इसमें हम सबसे पहले आलू जो है वो मैंने लिए हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के और इनको बड़ा बड़ा काट लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इनको तल लूँ। इतना तलूँगी कि इसके ऊपर कलर आ जाए, क्रिस्पी जो एक लेयर आती है वो आ जाए और ब्राउन ब्राउन सा हो जाए। ठीक है जी, अच्छा तो ये कलर आ गया हमारा अच्छा सा। अब हम ये आलू निकाल लेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज को लाइट ब्राउन हो जाए तक इसको तलेंगे हम। अच्छा जी, बस इतना से इसको वो करेंगे हम सौते टाइप, हल्का हल्का लाइट लाइट सब, मतलब गोल्डन शुरू हो रहा होना। तो हम जो है इसमें अदरक लहसुन डालेंगे 1 टीस्पून, और साथ टमाटर डाल देंगे। अच्छा, एक बड़ी प्याज ली थी मैंने, ठीक है, उसको मैंने बारीक स्लाइस करके काटा था और ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं या एक आप बड़ा टमाटर लेंगे। साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस अपने बेसिक जो है वो डाल दूंगी, 1 टीस्पून नमक, हसब ज़रूरत आप डालें, लाल मिर्ची 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुनी है, इसी में मैं आलू भी ऐड कर दूंगी। और तकरीबन मैंने इसमें 1/2 कप से थोड़ा कम ही पानी लिया है, थोड़ा पानी डालूंगी मैं ताकि मसाले ना जलें और इसको मैंने भूनना है। ठीक है, ज़रा आलू और ज़रा टमाटर और प्याज थोड़ी गल जाए तो फिर इसको मैं भून के फिर इसके अंदर पानी डालूंगी। ठीक है, अभी मैं इसको आहिस्ता चूल्हा करके छोड़ दूंगी, बिल्कुल धीमी आंच कर दूंगी। ये अच्छा जी, हमने स्लो पे रखा हुआ है तकरीबन 15 मिनट हो गए, सही है। प्याज भी मिल गई है और टमाटर भी अच्छे गल गए हैं, बस वो आधा कप पानी में ही हमने काम किया। आलू भी चेक कर लेते हैं, ठीक
बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। अच्छा तेज चूल्हा करके, इसमें से हमने भून लिए। अब मैं इसमें जितना हमको पानी चाहिए, शोरबा टाइप चाहिए, बस काफ़ी है। ये थोड़ा सा और पकेगा, खलखली आएगी। इसको मैं धीमे चूल्हे पर रख दूँगी खुशबू के लिए। अच्छा जी, हम इस पे जो है वो क्या करेंगे, हरी मिर्ची डाल दी है मैंने, और ये थोड़ा सा पुदीना धनिया डाल दिया खुशबू के लिए, और बिल्कुल एक चुटकी के बराबर मैं पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो तो एक चुटकी डाल रही हूँ खुशबू के लिए। बस ठीक है, और ये मैं इसको ढक के रख दूँगी हल्की आंच पे, ताकि पानी डाला था उसमें सारे फ्लेवर्स आ जाएं और तेल भी अच्छा ऊपर आ जाए। ठीक है जी, बिल्कुल हल्की बात कर देंगे चूल्हा। चलिए जी, 5 मिनट हुए हैं, बहुत अच्छी खुशबुएँ आना शुरू हो गई हैं। बस अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। चलिए जी, हमारा आलू टमाटर का सालन तैयार हो गया है। बगारा खाना आज मैंने बनाया है, तो इसको आप खुशके के साथ खाइए, इसके साथ आप कबाब तल लीजिए, बहुत मज़े का खाना। ये बहुत अच्छा सालन होता है, रोटी चावल दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।